जी कैसे देख रहे हैं? जिस तरह का बयान उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की सदन में दिया है, बहुत ही निंदनीय और निराशजनक है। इस तरह का बयान कोई देता है क्या? आप पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने समाज को जाति धर्म में बांट रखा है, अब आप रंगों में भी बांटना चाहते हो। आप कह रहे हो कोई लाल पहन के आता है, कोई नीली पहन के आता है, कोई पीली पहन के आता है, कोई हरी पहन के आता है। कमाल है भाई, इतना पवित्र होली का त्यौहार आने वाला है, रंगों का त्यौहार है, यहाँ एक दूसरे पर लोग तरह तरह के रंग डालते हैं, फिर गले मिलते हैं। ये हमारी एकता का प्रतीक है, हमारे एक दूसरे के साथ खुशहाली का प्रतीक है। अब आप हमारे रंगों का अपमान कर रहे हो। लाल रंग की अपनी विशेषता है, हरे रंग की अपनी विशेषता है, नीले रंग की अपनी विशेषता है, खासकर पीले रंग की तो अपनी विशेषता है। अब आप रंगों में बांट दोगे समाज को? आपका जाति धर्म से पेट नहीं भरा क्या? मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं हो सकती कि आप वो समाज के अंदर में रंगों की राजनीति कर रही है, रंगों के हिसाब से समाज को बांटना चाहती है। कमाल है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई 15 मार्च के बाद वैक्सीन आ जाएगी, जिसको लगवाना होगा बाजार से जाके खरीद के लगवा लेगा। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, जो हमारे उत्तर प्रदेश में गरीब है, मजदूर है, किसान है, कोरोना काल से जिसका रोजगार चला गया, उनके पास पैसे ही नहीं है खरीदने की वैक्सीन लगवाने का, तो कम से कम ऐसे लोगों के लिए तो आपको वैक्सीन फ्री में लगवाने की बात करनी चाहिए। और आप कह रहे हो कि मार्केट में जाके खरीद के आप वैक्सीन लगवा लो, ये कहां से वैक्सीन लगवा लेंगे? गरीब मजदूर किसान और जिसकी कोरोना काल से रोजगार चला गया, उसका तो पैसा ही नहीं है खरीदने का, वो कैसे वैक्सीन लगवाएगा? इन लोगों को कम से कम सरकार की तरफ से फ्री में वैक्सीन लगनी चाहिए थी। कौन होते हैं ये सवाल उठाने वाले? आज श्रीमती प्रियंका गांधी जी जब उत्तर प्रदेश के लोगों का दुख दर्द बांट रही हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल खड़ा करते हैं? अरे हिम्मत नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कि वो सच का सामना कर सकें। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आधी रात में डीजल पेट्रोल डालकर जलवा दिया जा रहा। सच्चाई ये है कि बलात्कार करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को स्वच्छंद घूमते हैं और सरकार उनका बचाव करती है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे? एक उस शहीद की बेटी, शहीद की पोती के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए। अपने मुंह से धर्म, मंदिर और भगवान राम की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। अरे धर्म की बात करते हैं, भगवान राम का नाम लेते हैं और करते क्या है? बलात्कारी लोगों को अपनी पार्टी में शह देते हैं, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ाते हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मांगने पर लाठियों से पिटवाते हैं और ये धर्म की बात करते हैं? अरे धर्म के साथ साथ राजधर्म को भी याद रखा होता मुख्यमंत्री जी, बीजेपी के लोगों को शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है,